हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कशीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने जो है कि एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि यह बताया था कि आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है उसमें आप करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस पर बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि सर हमको बताइए कि अगर हमको नाम में करेक्शन करवाना है तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, या जो है कि फादर नेम में करेक्शन करवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी पर यह वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मार्कशीट में करेक्शन करवाने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की अगर मार्कशीट करेक्शन करवाने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो फ्रेंड, नंबर वन पे आता है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए और साथ में आपका ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी को ले लेना है। और नंबर दो पे बात करें तो आता है फोटो। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अपना फोटो होना चाहिए, दो तीन फोटो आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज के। और तीसरे की बात करें तो आपके पास जिस भी मार्कशीट में आपको करेक्शन करवाना है वो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप टेंथ का जो है कि करेक्शन करवाने जा रहे हैं या ट्वेल्थ का करेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने साथ ही ले जाना है, क्योंकि वह मार्कशीट जब आप करेक्शन करवाएंगे तो वह जमा हो जाएगी और करेक्शन होकर के आपको नई मार्कशीट मिलेगी तो वह मार्कशीट आपको ले जाना है। तो फ्रेंड, नंबर फोर पर आता है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्कशीट करेक्शन करवाने जा रहे हैं तो आप जो है कि जाति प्रमाण पत्र अवश्य रख लीजिएगा। वैसे तो यह मांगा जाता नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है कि यह जाति प्रमाण पत्र को मांग लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जाति प्रमाण पत्र जरूर ले जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए। कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप जाति प्रमाण पत्र को रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जैसे मान लीजिए कि आपने टेंथ और ट्वेल्थ कर लिया और उसके बाद जो है कि आपको अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, तो अगर आपने मान लीजिए कि 2014 में जो है कि आपने टेंथ किया और 2016 में आपने जो है कि इंटर कर लिया, तो फ्रेंड्स उसके बाद आप 2017 में करेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या करना है कि आपको जो टेंथ की मार्कशीट में मान लीजिए करेक्शन करवाना है और ट्वेल्थ की मार्कशीट आपकी सही है, तो आपको ट्वेल्थ की भी मार्कशीट की फोटोकॉपी ले जानी है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि जिस भी ईयर की आपकी मार्कशीट सही है, चाहे टेंथ की सही है या ट्वेल्थ की सही है, तो उसका जो है कि आप फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपका जो है कि मिलाने में, क्योंकि जो मार्कशीट होगी दोनों में आपका डाटा सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो है कि अगर आप टेंथ और ट्वेल्थ कर लिए हैं उसके बाद अगर आप जो है कि करेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो जो है कि अगर टेंथ का करेक्शन करवाना है तो ट्वेल्थ की मार्कशीट की फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा। अगर आप ट्वेल्थ का करेक्शन करवा रहे हैं तो टेंथ की जो है मार्कशीट की फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा। नंबर फाइव पर आता है एफिडेविट। जी हाँ दोस्तों, आप अगर मार्कशीट में करेक्शन करवाने जा रहे हैं तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। जो भी कचहरी आपके घर के नजदीक है आप वहां से अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। 50 या 100 रुपए आपके लगेंगे, आपकी एफिडेविट बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इतने डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं अगर आप मार्कशीट में करेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी डॉक्यूमेंट को आप जरूर ले जाइएगा, तभी आपकी मार्कशीट में करेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।